मैं हूँ रचना गांधी, त्रिनेत्री परिवार में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 7 में सब्जेक्ट हमारा है हिंदी। उसमें हमारा फर्स्ट जो लेसन है वो है चित्र के संसम, यानी कि चित्रपाठ। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो निकालें और ध्यान से देखिए कि हमारा पहला जो चित्रपाठ है उसमें किस तरह का चित्र हमें दिखाई दिया है। देखा आप लोगों ने ध्यान से? अब हमें ये बताओ कि इस चित्र में आप लोगों को क्या क्या नजर में आता है। आप देखेंगे कि कई सारे यातायात साधन रोड पे जा रहे हैं। आप देखोगे कि एक बाइक वाला अपनी बाइक पे जा रहा है, उसके पीछे एक ऑटो रिक्शा है, उस ऑटो रिक्शा में एक ही यात्री बैठा हुआ है। उसके पीछे ध्यान से देखोगे आप लोग तो आपको दिखाई देगा ऑटो रिक्शा के पीछे दो मोटर कार जा रही है। फिर आप चित्र में ये देखेंगे कि रोड के दूसरे साइड पे बहुत सारी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रोड के इस तरफ की मोड़ पे अब आप देखेंगे गौर से कि वहां पे एक कुत्ता आराम से सो गया है। एक मोची है वो अपने औजार लेके बैठा है, वो इंतजार कर रहा है कि कोई ग्राहक आए और मुझे कुछ काम मिले। उसी के पास आप देखोगे कि एक साइकिल वाला है, वो साइकिल वाला अपनी साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहे हैं। टायर में जब हवा कम होती है उस वक्त उस पंप से टायर को भरने के लिए यानी कि मजबूत करने के लिए उसमें हवा डाली जाती है, तो वो पंप से साइकिल के टायर में हवा भर रहा है। वहां पे आप ध्यान से देखोगे कि एक डंडा हमें दिखाई दे रहा है, उसी डंडे के ऊपर एक हरे रंग का तोता बैठा है। सामने अगर आप देखोगे कि एक बरामदे में दो इंसान खड़े हमें दिखाई देते हैं, बरामदे यानी कि बालकनी में, आप लोग आसानी से चित्र में देख सकते हो। अब हम देखेंगे कि वहां पे एक कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली अपनी टोकरी में अलग अलग प्रकार के सब्जी लेके जा रही है। उसी के पास से रंग बिरंगी कलर के गुब्बारे बेचने वाला अपनी लकड़ी में बहुत सारे गुब्बारे को बांध के वो जा रहा है। गुब्बारे में हवा होने के कारण सारे गुब्बारे उड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा नजारा हमें इस चित्रपाट में दिख रहा है। ध्यान से देखो, कोई चित्र छूट तो नहीं गया है ना? हाँ, हम देखेंगे कि ऊपर जो आकाश नीले रंग का है उसमें तरह तरह के पक्षी जो है वे उड़ रहे हैं, और आकाश में दूर दूर तक दिखाई देते हैं कि बादल जो है वो जा रहे हैं, है ना? तो ये हमारा था चित्र पाठ में चित्र दृश्य नंबर 1। अब हम देखेंगे उसी टेक्स्ट बुक के पीछे के पेज में। देखो तो ध्यान से, अरे रे, जो चित्र हमने पहले देखा था वही चित्र हमें दिखाई दे रहा है, नहीं? हाँ, आप देखोगे ध्यान से, चित्र तो वही है लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा नहीं, लेकिन उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारा कुछ बदल गया है। ये किस वजह से इस चित्र की हालत होगी? आगे पेज में हमने देखा
कितना अच्छा चित्र का नजारा हमें देखने को मिला है। और दूसरे पेज में आप लोग ध्यान से देखेंगे कि वही नजारा जो है वो हमें एक अलग प्रकार से दिखने को मिला है। आप देखोगे ध्यान से कि जो आदमी साइकिल के टायर में हवा भर रहा था, उसका टायर जो था वो फट गया। अरे रे, देखो तो सही, क्या से अब क्या हो गया है। उस साइकिल वाला जब हवा भर रहा था, ज्यादा हवा उसने अगर भर दी होगी तो टायर फट गया। और उसी वक्त वो इंसान टायर भरने वाला था, वो जमीन पे हमें गिर गया है, ऐसा नजारा हमें देखने को मिला है। अब नहीं, अब आगे आप देखो कि जो कुंजड़िन थी अपनी सब्जी लेके वो जा रही थी, अब आप देखोगे कि वो तो इतनी घबरा गई और उसके सर पे जो टोकरी थी सारी टोकरी नीचे गिर गई। और उसके सर पे जो टोकरी थी वो नीचे घबरा के गिर गई और सारी सब्जियां गिर गई, यहां से वहां हो गई। अब वो जो गुब्बारे वाला जा रहा था, उसके हाथ में भी एक डंडा था, वो भी इतना घबरा गया कि उसके हाथ से डंडा जो था वो छूट गया है और सारे गुब्बारे हवा में उड़ गए। आपको एक बात बताओ, उस हवा जो होती है गुब्बारे में, वो एक हीलियम नाम की गैस होती है। वो गैस से जो गुब्बारे होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। हाथ में अगर है तब तो वो स्थिर रहते, हाथ से छूट गए सीधे। हम कभी कभी देखते हैं ना गुब्बारे कई सारे हमें आकाश में दिखते हैं, किसी ने पकड़ा भी नहीं और फिर भी आराम से वो जाते हैं। तो इस गुब्बारे में हीलियम नाम की गैस होती है, इसीलिए वो आकाश में उड़ गए, हाथ में नहीं आए। अभी आगे आप देखोगे कि जो आराम से कुत्ता लेटा हुआ था वो भी डर के मारे भागने लग गया, और जो बाजू में मोची बैठा हुआ था उसका तो सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया और वो मोची भी रोड पे आ गया। ऊपर जो डंडे पर हरे रंग का तोता बैठा था, धड़ाम आवाज जो टायर फूटने से हुई, वो तोता भी उड़ गया। अब हम देखेंगे कि रोड पे कई यातायात साधन जा रहे थे। वो बाइक वाला जा रहा था, उसकी नजर उस टायर पे पड़ी, जब जो आवाज धड़ाम से हुआ उसने जोरों का ब्रेक लगा दिया। पीछे जो ऑटो रिक्शा थी वो भी अपनी गति से ही आ रही थी, लेकिन अचानक जो बाइक वाले ने ब्रेक लगा, तो रिक्शा और बाइक वाले के साथ टकरा जाती है। यही एक वजह, कौन सी वजह, सिर्फ टायर फटने की आवाज से क्या हो गया। पेज में कई सवाल दिए गए हैं, उस सवाल का मैं आप लोगों को जवाब दूंगी। आप भी वो सवाल कि जवाब जो है वो ध्यान से सुनिए, ताकि आप लोग अपनी नोटबुक में आसानी से लिख सके। पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं होती है तो हम बता सकते हैं। अब तक हमने चित्र में जो जो भी देखा है उस चित्र का वर्णन हमें करके लिखना है। जो दृश्य हमने देखा है एक एक सेंटेंस उसके बारे में हमें लिखने हैं। अभी हमारा दूसरा जो सवाल था कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं, क्योंकि गुब्बारे में कौन सी हवाएं होती है, मैंने अभी आपको बताया गुब्बारे में हीलियम नाम की गैस भरी जाती है, इसीलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं।
आगे हम देखेंगे ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। साइकिल की ट्यूब में जब हवा कम होती है या तो फिर उस टायर में हवा बिल्कुल होती ही नहीं है, उसे एक मजबूत ठोस बनाने के लिए, क्योंकि वो आसानी से दौड़ सके, इसीलिए टायर में हवा भरी जाती है। आगे हमारा एक सवाल है, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है। कह सकते हैं कि कुत्ता दोपहर का टाइम होगा इसीलिए वो लेट गया है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है। तो हम कह सकते हैं सब्जी बेचने वाली घरों में, गलियों में या किसी बाजार में वो जा सकती है। आगे एक सवाल हमारा है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। तो हम कह सकते हैं कि दोपहर का समय होगा इसीलिए उस ऑटो रिक्शे वाले को दूसरा यात्री नहीं मिला होगा, इसीलिए एक ही रिक्शे में यात्री बैठा है। अब हम दूसरा हमारा जो पिक्चर है उस चित्र का, अब हम दूसरा हमारा जो चित्र है उसका हमने अवलोकन करके जो प्रश्न है उस प्रश्न के उत्तर आपको देना है। टायर फटने पर क्या क्या हुआ। अब तक दृश्य नंबर जो दो है उसमें हमने जो जो भी देखा, जो जो हालत सबकी हुई, वो सब हम इस सवाल का जवाब में लिख सकते हैं। आगे सवाल हमें बताया गया है कि टायर के अलावा फटने वाली चीजों का नाम बताइए। तो टायर के अलावा हम किस में हवा भरते हैं, फुटबॉल में, गुब्बारा में, बास्केटबॉल में, तकिए में हवा भरी जाती है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया। तो हम कह सकते हैं बाइक वाले ने जोर से ब्रेक लगा दी इसीलिए रिक्शा वाला वो बाइक से टकरा गया। आगे हमारा क्वेश्चन है, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। कि जो ऑटो रिक्शा के पीछे दो मोटर कार थी उनकी पर बिल्कुल कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, और जो सामने घर और बिल्डिंग थे उन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लास्ट सवाल है, मोची क्यों रास्ते पर आ गया। तो कह सकते हैं टायर फटने की आवाज से डर कर मोची रास्ते पे आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारे जो स्वाध्याय में भी जो क्वेश्चन बताए गए हैं ये इस चित्र के माध्यम से, और हमने जो अभी तक जो जवाब दिए, अभी तक जो हमने उत्तर लिखे हैं उसी मुताबिक है। तो आसानी से इस प्रश्न के उत्तर लिख सकते हो। बाय बाय, वंदे मातरम।